उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जनपद में चोर मस्त पुलिस पस्त, तीन घरों में नकदी सहित सोने चांदी के हुए जेवरात चोरी। जी हां, बताते चलें, पूरा मामला हमीरपुर जनपद का है। हमीरपुर जनपद के जलालपुर थाना के छेड़ी बेड़ी गांव में तीन घरों को चोरों ने निशाना बना लिया, जहां पर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। बताते चलें, यह घटना बीती रात हुई। तीनों घरों से 50,000 रुपये की नकदी सहित सोने चांदी के लाखों रुपए के जेवरात पार किए हैं। शौच के लिए निकले ग्रामीणों ने गांव के बाहर संदूक पड़ा देखा, तब चोरी की घटना की सूचना प्राप्त हो पाई। तभी ग्रामीण इकट्ठा हुए, परिजनों को चोरी की घटना मालूम होते ही घर में चीख पुकार मच गई। वहीं हमीरपुर पुलिस के द्वारा दावा किया जाता है कि पुलिस रात में गश्त देती है, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस के द्वारा रात में गश्त नहीं दिया जाता है। अगर गश्त दिया जाता है तो रात में ऐसी घटनाएँ क्यों हो जाती हैं? ग्रामीणों ने बताया कि पुलिस के लाचार रवैये के कारण आए दिन ऐसे क्षेत्र में चोरियां होती नजर आती हैं, जहां पर साफ तौर पर देखा जा रहा है कि जलालपुर पुलिस चोरी की घटनाओं को रोकने में नाकाम साबित हो रही है। क्षेत्र में आए दिन चोरियां बढ़ती जा रही हैं। बीती रात तीन घरों में हुई चोरी की घटना से क्षेत्रीय लोगों पर रोष व्याप्त है। वहीं ग्रामीणों ने घटना का जल्द खुलासा करने की मांग की है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या हमीरपुर पुलिस घटना का खुलासा कर पाएगी या इसी प्रकार से आगे भी घटनाएं होती रहेंगी। कहाँ के निवास? क्या हुआ? चोरी हो गई है। जेवर था, मेरी मम्मी का, मेरी दो दीदियों का था, 5-6 लाख का था और कैश भी थी, समथिंग 50,000 रुपए थे। शाम को हम खेत से आए हुए थे और मतलब खाना आना बना के सो गए। रात में चोरी हो गई, पता भी नहीं चला, सुबह देखा। किसी के ऊपर शक है? नहीं सर, किसी के ऊपर नहीं है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।